नाउ लेट डू एक्टिविटी टू वर्ड मीनिंग फर्स्ट आइडिया मीन्स प्लान हम पहले से डिसाइड करते हैं राइट right? कि हमको क्या करना है वो हमारे माइंड में आइडिया आ जाता है राइट देन डेफ मीन्स पान वू कैन नॉट हियर कि जिसको सुनाई नहीं देता है वैसे पर्सन को क्या बोलते हैं डेफ स्लाइटली मतलब एलिटल थोड़ा फॉर एग्जाम्पल द डॉग सेड आई एम स्लाइटली डेफ कि मुझे थोड़ा कम सुनाई देता है अलॉन्ग मीन्स ऑनवर्ड अलॉन्ग का मतलब ऐसे तो साथ में होता है बट हियर ऑनवर्ड मीन्स आगे ही आगे फॉरवर्ड राइट देन अलॉन मीन्स लोनली अकेला जो सिंगल होता है है ना घर पे अकेला होता है उसको क्या बोलते हैं अलोन फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड से आई एम अलोन एट माई होम मैं घर पे अकेला हूँ लोनली हूँ राइट ओके नाउ वी विल लर्न द स्टोरी पार्ट वन वंस देर वॉज ए फार्मर हु हैड ए वेरी ओल्ड डंकी के एक बार की बात है एक फार्मर था उसके पास ओल्ड डंकी था कि वो डंकी कैसा हो गया था ओल्ड हो गया था द डोंकी हैड वर्क अ वेरी हार्ड फॉर द फार्मर फॉर मैनी ईयर्स कि डोंकी ने फार्मर के लिए बहुत साल तक हार्डवर्क किया नाउ वैन ही बिकेम ओल्ड अब डोंकी है वो ओल्ड हो गया है द फार्मर सेड यू आर नो लॉन्गर यूजफुल टू मी गेट आउट फ्रॉम हीयर जब डोंकी ओल्ड हो जाता है तो उसका जो फार्मर है मास्टर है उसका उसको क्या कहता है कि तुम अब मेरे काम के नहीं रहे हो अब मेरे काम के नहीं हो सो so, गेट आउट फ्राम हेयर इधर से चले जाओ पुअर ओल्ड डोंकी वॉज वेरी सैड हेयर पुअर का मतलब क्या है बच्चों बेचारा बेचारा डोंकी दुखी हो गया ही लेफ्ट द फार्म एंड वेन टूअर्स सिटी उसने खेत को छोड़ दिया फार्म को छोड़ दिया और सिटी की तरफ जाने लगा

तुम देख सकते हो और नो वन कैर्स एट ऑल फॉर मी कि मेरी केयर कोई नहीं रखता है आई हैव नो होम और हाउस टू गो कि मेरे पास हाउस भी नहीं है कि जहाँ मैं जा सकूँ वॉट विल आई डू कि मैं क्या करूँ आई डू नॉट नो कि मुझे पता नहीं है एज ही वॉकड ल एन आइडिया केम टू इज हेड कि जैसे ही वो चलता रहता है उसके माइंड में एक आइडिया आता है आई नो वट आई कैन डू क्या आइडिया आता है डोंकी को कहता है कि आई नो वाट आई कैन डू कि मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ आई कैन गो टू टून टून टाउन एंड बी ए म्यूजिशियन और क्या आइडिया आता है डोंकी के माइंड में कि वो टन टाउन जाएगा और म्यूजिशियन बनेगा सो ही वॉकड अलॉन्ग और वो आगे ही आगे चलता है ए लिटल लेटर ही सो एन ओल्ड डॉग अ ऑन द साइड ऑफ द रोड इतने में थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि एक ओल्ड डॉग था वो रोड साइड पे सो रहा था वट्स रॉन्ग माई फ्रेंड डंकी ने डॉग को पूछा कि क्या प्रॉब्लम है आज द डंकी माय मास्टर हैज़ थ्रोन मी आउट एज आई एम ओल्ड एंड स्लाइटली डेफ सेड द डॉग सैडली और डॉग ने दुखी होकर आंसर दिया कि मेरे मास्टर ने मुझे बाहर फेंक दिया है क्योंकि मैं अब ओल्ड हो गया हूँ और कम सुनता हूँ and he sang, I am very old, you see, no one cares at all for me. कि तुम देख सकते हो कि मैं बहुत old ho गया हूँ कि कोई मुझे मेरी केयर करने के लिए नहीं है right? मैं old ho गया हूँ तुम देख सकते हो और कोई मेरी केयर भी करता नहीं है आई हैव नो होम और house टू गो वट विल आई डू आई डू नॉट नो कि मेरे पास हाउस भी नहीं है कि जहाँ मैं जा सकूँ अब मैं क्या करूँ मुझे कुछ पता नहीं है वाई डेंट यू कम विथ मी से डोंकी डोंकी ने फिर कहा डॉग को कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आ जाते द डॉग लाइक द द आइडिया ऑफ गोइंग टू टून टून टाउन एंड बिकमिंग ए म्यूजिशियन कि को जो डोंकी ने आइडिया दिया था वो अच्छा लगा और उसने भी डिसाइड किया कि वो भी टन टुन टाउन जाएगा और म्यूजिशियन बनेगा नाउ दे वॉक डू टदर कि अब दोनों साथ में चलने लगे